नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान स्पॉट पर। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, तमन्ना करने से ही पूरी होती है हर तमन्ना। तमन्ना करने से ही पूरी होती है हर तमन्ना, और दिल धड़कने से ही पूरी होती है हर सपना। दिल धड़कने से पूरी होती है हर सपना, और कोशिश करने से आसान हो जाती है हर राह। कोशिश करने से आसान हो जाती है हर राह, और आगे बढ़ने से बन जाता है मुकद्दर अपना। तो दोस्तों, मुकद्दर अपना बन जाता है अगर तमन्ना सपना सब साथ में रहे। तो इसी के साथ चलते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न में आज के टॉपिक में है वर्णमाला और विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न है, जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपके सामने बीईओ का एग्ज़ाम है, उसमें भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों, आगे टेट सीटेट में भी पूछा जा सकता है, यूपी TCC में भी पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, आप उसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितना बढ़िया क्वेश्चन हमने बनाया है। तो दोस्तों चलते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कौन से हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कौन से हैं। इसमें सही आंसर आपका क्या है, स स ज त थ द ध। दोस्तों इसमें सही आंसर आपका क्या होगा, ये होगा स स ह, सी वाला सही आंसर है। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं, उस व्यंजन कौन से हैं। इस व्यंजन में आपको दोस्तों स स ह, ये उस व्यंजन में है। कई प्रकार का इस तरह प्रश्न बनता है, आपको इसी तरह हम हर प्रश्न की चर्चा करेंगे। जो है इसको उस व्यंजन भी कहते हैं, उष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या, उष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसमें सही आंसर आपका क्या है, स स स ह, तो ये सही आंसर आपका सी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। तो दोस्तों हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण केवल श्वास जब चलती है, श्वास का प्रयोग किया जाता है, उनको क्या कहते हैं हम, उस वर्ण को कहते हैं क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अघोष। सही आंसर क्या है, बी। अगला जो क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे क्या है, यह रालावा व्यंजन को कहते हैं, यह रालावा व्यंजन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। आपको हमने बताया ना, उस व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, इस प्रकार से जितने भी व्यंजन हैं आपको हम आगे हर प्रश्न जो है आपको ऐसा करवाएंगे ताकि कहीं आपको दिक्कत ना हो। इसमें सही आंसर आपका सी है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। दोस्तों ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि क्या है, और जो ओठ से आपसे मिले, जो दोनों ओठ को, दोनों लिप को टच करे, उसको ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। तो इसमें क्या है, फ, ए वाला सही आंसर है। ल देखिए, स देखिए, दोनों जो है अलग अलग है, लेकिन फ ओष्ठ ध्वनि से बोला जाता है। इसमें सही आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन क्या है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत। जिस शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं, अकारांत। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा स्वर नहीं है, स्वर कौन सा नहीं है। तो स्वर आपका कौन सा नहीं है, ए भी स्वर है, ऊ भी स्वर है, बी जो है आपका सही आंसर है, बी स्वर नहीं है। सही आंसर आपका इसमें ए है। अगला क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है। क्या है इसमें, सातवां में कौन सा वर्ड घोष है, वर्ड घोष कौन सा है, बी आंसर इसमें सही है, द जो है वर्ड घोष के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसमें हमने टॉपिक लिया है कि वर्णमाला और विराम चिन्ह से संबंधित जितने भी आपको प्रश्न होगा उतना करवाने का प्रयास करेंगे। ये आज के दिन में 25 क्वेश्चन है, इस तरह हमने पूरा 50, 100 क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे आपको, ताकि जो है हर प्रकार के प्रश्न आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, दोस्तों सबको पता है कि वर्ड से ही शुरू होता है कोई चीज़, तो वर्ड को ही भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो दोस्तों वर्णमाला व्यवस्थित वर्ण के समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवस्थित वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या है, दसवां, वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं सबको पता है, तो प्रश्न बहुत सरल प्रश्न है, इसको स्वर कहते हैं। वावेल को हिंदी में लेटर को अक्षर कहते हैं, सेंटेंस को वाक्य कहते हैं। इसमें सही आंसर आपका सी है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनि कौन सी है, कंठ से ध्वनि जो ध्वनि निकलती है वो कौन सी है। कंठ से ध्वनि कौन सी निकलती है, कंठ से ध्वनि कौन सी निकलती है, क, ख,
ये किससे निकलती है? कंठ से ध्वनि निकलती है। किस कौन सा इसमें बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में उच्च उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। दोस्तों उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन बताना है, तो इसमें सही आंसर आपका क्या है, मूर्धन्य व्यंजन होता क्या है, ड ढ, ये क्या है मूर्धन्य व्यंजन है। इसमें सही आंसर आपका सी वाला है। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन से हैं, निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन से हैं, तो सही आंसर आपका इसमें जो है बी होगा, क और ग अल्पप्राण होते हैं, क ग, इसको क्या कहते हैं अल्पप्राण कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, तो 14वें में सही आंसर आपका बी होगा, ख और ग इसमें भी सही आंसर होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ड है, निम्नलिखित में कौन वर्ड है, तो वर्ड कौन है। तो दोस्तों इसमें 15वें वाले में थोड़ा सा हमको लग रहा है मिस्टेक हो गया है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड होना चाहिए, सॉरी इसमें क्या होगा घोष वर्ड, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में। इसमें कौन सा क्या होगा घोष वर्ड, यहाँ कौन के बाद घोष रहेगा, कौन सा घोष वर्ड है, इसमें आपका माँ जो है घोष वर्ड है। ठीक साथ चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक वर्ड व्यंजन नहीं है, तो व्यंजन कौन सा नहीं है, तो आपको एक वर्ड व्यंजन नहीं है, तो दोस्तों इसमें आपका एक वर्ड व्यंजन नहीं है, अच्छा व्यंजन नहीं है था सॉरी, इसमें द ख दोनों व्यंजन है, ऊ जो है आपका व्यंजन नहीं है, ये क्या है स्वर है। ठीक साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, जो ओट के द्वारा बोली जाती है उसमें कौन सी ध्वनि नहीं है, तो दोस्तों इसमें प फ ब आपको बताए हैं कि जो ओट से बोली जाती है वो ओष्ठ ध्वनि होती है, इसमें ओष्ठ ध्वनि नहीं ता, इसको दंत से दांत से बोला जाता है ता, तो ये जो है इसमें सही आंसर आपका डी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, 18 हिंदी भाषा के मूलतः वर्ड की संख्या कितनी है, हिंदी भाषा की मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसमें सही आंसर आपका बी है, 52 मूलतः हिंदी भाषा के वर्डों की संख्या मानी गई है। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है, नासिक व्यंजन कौन सा है, दोस्तों 19वां प्रश्न में आपका नासिक व्यंजन कौन सा, ज क्या है ज, ये क्या है नासिक व्यंजन है, सॉरी ज नासिक व्यंजन नहीं, जो नाक से बोला जाता है इयां, हाँ इयां क्या इयां, देखिए नाक से स्वर निकल आवाज निकल रही, इसमें जो है नासिक व्यंजन, इसमें आपका सी आंसर सही है। अगला प्रश्न क्या है, ए ए ए वर्ड क्या कहलाते हैं, ए ए वर्ड क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों ए ए वर्ड क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य जो है ए ए वर्ड है। और इसी इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला के स्थान नहीं दी गई है, दोस्तों निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला के स्थान नहीं दिया गया, तो श्री को मानक वर्णमाला के स्थान नहीं दिया गया है, मानक वर्णमाला के स्थान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द का दायित्व व्यंजन है, किस शब्द का दायित्व व्यंजन है, तो व्यंजन की दायित्व किसका है, दिल्ली का है, किसका है दिल्ली का व्यंजन का दायित्व है, तो इसके इसमें आपका बी आंसर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स स ह में कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो दोस्तों अभी ने हमने बताया आपको स स ह में ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, इसमें ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अगला क्या है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो इसमें सही आंसर आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत छ ध्वनि आती है। 25वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हम हर रोज 25 क्वेश्चन आपको कराने का टारगेट करेंगे और 4 दिन में वर्ड वर्णमाला और विराम चिन्ह को ख़त्म कर देंगे। और कम क्वेश्चन रहेगा, आप उसको एक बार दो बार देखने का प्रयास करिए, देखिए और ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आप दूसरे दिन जा रहे हैं थोड़ी स्पीड ही बढ़ा के देख लीजिए उसकी, तो आप 25वां क्वेश्चन टच कर लेंगे तो अगले दिन फिर याद हो जाएगा। तो आपका लास्ट क्वेश्चन आज का 25 क्वेश्चन हमने बनाया है, 25 क्वेश्चन आपको तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको 25 क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों ये 25वां क्वेश्चन क्या, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, दोस्तों छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, तो किस वर्ड के बाद आता है, क के वर्ड, क वर्ड के बाद छ का क्रम आता है। तो इसमें आज का बस इतना ही टॉपिक है, नीचे हमने आंसर भी दे दिया है आपको, पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। दोस्तों धन्यवाद।